अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हाय पार्थ, हाय दानिश, हाय नंदिनी। देर कर दी? देर क्या हुई, सही वक्त पे तो आया। गले मिलना यार, पार्टी से पहले पी के आया है। थोड़ी सी इनसे मिलो, ये विकास नंदिनी के होने वाले हस्बैंड। हाय, और इनसे मिलो, ये हेतल। कांग्रेचुलेशंस। वैसे विकास और नंदिनी की भी गली सगाई हुई है। हाँ, पापा ने बताया था। आई एम सो सॉरी यार, मैं कल आ नहीं पाया। आई अंडरस्टैंड। एनीवेज, एंजॉय योर पार्टी। थैंक यू, कम ऑन। देखा भाई, कल इतना बड़ा ड्रामा, नंदिनी की सगाई तोड़ने की कोशिश की और आज साले पार्टी कर रहे हैं और अपने आप को नंदिनी का भाई कहते हैं। कहने को तो भाई है मगर दुश्मन से कम नहीं। मुझे नहीं पता था कि ये लोग भी यहाँ आ रहे हैं। आए हैं तो आने दो, क्या बिगाड़ लेगा? देख तो ऐसे रह जैसे खा जाएगा। अपनी फौज में नौकरानी के बेटे को भी शामिल कर ले। एक क्या, 10 लोगों को शामिल होने थे, इन सब के लिए हम दोनों ही काफी हैं। हाँ, जगह झगड़ा इन्होंने शुरू किया तो खत्म हम करेंगे। देखा भाई, अभी तक घूर रहे हैं ये। आज दादू भी नहीं है, मौका अच्छा है। मैं जाके ने सब तड़प रहे हैं। हैरान हूँ मुझे देखकर, मुझे यहाँ पर आना पड़ा एक संदेश देने, एक चेतावनी देने। कैसी चेतावनी? मैंने कहा था कि तुम्हारे इस परिवार में तुम्हारे अपनों के बीच दरार पड़ने वाली, तुम्हारी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा शुरू होने वाली। अभी कुछ क्षण पहले वो प्रारंभ हो चुका है जो होने वाला था। क्या प्रारंभ हो चुका है? तुम्हारे घर का महाभारत। मेरे घर में महाभारत? हाँ संतो, कुरुक्षेत्र की महाभारत छिड़ चुकी। उस महाभारत की तरह इस महाभारत में भी वही कारण, लालच, आगे बढ़ने की होड़ और स्वार्थ। तुम्हारे इस महाभारत में तुम्हारे परिवार का हर एक सदस्य एक पात्र होगा। यदि महाभारत में युधिष्ठिर है तो दुर्योधन भी, यदि महाभारत में दुशासन है तो भीम भी, यदि महाभारत का अर्थ धर्म है तो अधर्म भी, पाप है तो पुण्य भी, प्रेम है तो छल भी। यदि महाभारत में पांडव है तो कौरव भी। पर ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम किसका साथ दोगे, पांडवों का या फिर कौरवों का। लक्ष्य का संधान तुम्हें ही करना है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो वही तो हैरान हूं जो मैंने पहले भी कहा था। तुम्हारा घर महाभारत का रणक्षेत्र बनना तय है। और आप किसके साथ होंगे? मैं तो सदा ही तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ हूँ, सदा रहूंगा तुम्हारा सारथी बनकर। पर अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम किसका पक्ष चुनते हो,
अनुचित उचित का निर्णय करना बहुत कठिन है और सबसे अहम भी। समय आ गया है संतो, जब तुम्हें किसी एक को चुनना होगा, धर्म को या फिर अधर्म को। अधर्म को। क्या है भगवान, किस नग की चेतावनी दे रहे हैं आप मुझे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या शुरू होने वाला है और क्या शुरू हो चुका है। ये रुद्र यहाँ क्या कर रहा है? हम मिल के आते हैं। विकास आओ, तुम अपने एक दोस्त से मिलवाता हूँ। कम एक्सक्यूज मी। नंदनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी भैया। नंदनी प्लीज, मैं जानता हूं कि बाकियों की तरह तुम भी यही सोच रही हो कि मैंने गलती की है, मगर मैं कसम खा के कहता हूं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने विकास से पैसों की कोई बात नहीं की। देखो नंदनी, एक बात तो तय है, ही इज नॉट अ गुड गाय। भैया प्लीज। और अभी उससे सिर्फ तुम्हारी सगाई हुई है, शादी नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम वक्त लो सोचने का, सही फैसला लेने का। प्लीज। तुम क्या कर रहा? बोला था ना मेरी बहन से दूर रहे। नंदनी मेरी भी बहन है। दूर की बहन है, मेरी सगी बहन है, इसलिए मेरी बहन से दूर रहना, समझा? जा यहां से, जा। के बर्तन उठाओ जा। देख क्या रहा है? आएगा? किसकी एंगेजमेंट पार्टी है ये? मेरे दोस्त है ना? तो यहाँ पे नौकरों के बेटों की कोई जरूरत नहीं है। तुम वही करो जो तुम्हारी औकात है, समझे? मायावंशी बनने की कोशिश मत करो। चल चल निकल यहाँ से।